हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट विद सम वेरी डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जो है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, हमने कल भी क्वेश्चंस किए थे, आज भी, कल हमने बिल्कुल थोड़े से इजी किए थे कि वो ट्रू फॉल्स को कन्वर्ट करके मैंने दूसरे क्वेश्चंस में करवाया था, और आज जो है हम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड 4-4 मार्क्स के, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, सफेरिकल बैलून, सफेरिकल बैलून बेटा ऑफ रेडियस आर, सब्सटेंस जो है मेरे पास एन एंगल थीटा, एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, इफ द एंगल जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे पास जो है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, ऑफ इट्स सेंटर जो है इज फाइव, फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून जो है, फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून। दिस इज माई स्टेटमेंट, आई एम राइटिंग इट फॉर योर सेक, ओके, ताकि आपको क्लियर विजिबल हो, आपको समझ आए क्वेश्चन के। नाउ आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट अगेन। अ सफेरिकल बैलून ऑफ रेडियस आर, पहले तो मैंने एक सफेरिकल बैलून बनाया और इसका रेडियस जो था वो मेरे पास आर था। ओके, दिस इज गिवन टू मी। सब्सटेंस एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। अब यहाँ बच्चों को ये बात नहीं समझ आती है, क्या मुझे दिया हुआ है कि ये जो सफेरिकल बैलून है ये एक ऑब्जर्वर की आई पे थीटा एंगल बना रहा है। अब ये बैलून कैसे थीटा एंगल बनाता है? दैट मीन्स इसके जो दो टेंजेंट्स है ना, दैट आर मेकिंग एंगल थीटा एट द ऑब्जर्वर आई। ये सबसे डिफरेंट बात है। ओके, नाउ व्हाट दे हैव मेंशन देयर, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज फाइव। अब उन्होंने बोला एंगल ऑफ जो है एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, यानी ये पर्सन, मान लो ये ग्राउंड फ्लोर है। ओके, अब ये पर्सन सेंटर के ऐसे मेरे पास जो है सेंटर के एंगल को देख रहा है। अब मैं थोड़ा सा ना फिगर को आपके लिए जो है क्लियर बनाती हूँ, ताकि आपको ये पता चले एंगल। एक मिनट, में रब कर रही हूँ। ओके, ये मेरे पास ओके थीटा था और ये मैंने कर दिया ये एंगल, क्योंकि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमेशा बेस के साथ बनता है, तो दिस इज फाइव, दैट इज गिवन टू मी फाइव। ओके, अब उन्होंने क्या कहा है मेरे पास, फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून। मुझे सेंटर की हाइट निकालनी। अच्छा, जो एंगल ऑफ ये फाई बना रहा है, कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस हम हॉरिजॉन्टल लेके चलते हैं, क्योंकि हमने हाइट की बात करनी है, तो दैट मीन्स मुझे ये कैलकुलेट करना है, आई नीड टू कैलकुलेट दिस। और कुछ ये फिगर सबको क्लियर होगी? थम्स अप कर दीजिए इफ द फिगर इज क्लियर। कोई डाउट है तो मैं रिपीट करूं, क्योंकि फिगर यहां समझ आनी बहुत जरूरी। यस तान्या, हाँ जी बेटा, यस तान्या बेटा, अनम्यूट कीजिए बेटा, तान्या अनम्यूट योरसेल्फ, तान्या अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ मैम रिपीट कर दो दोबारा फिगर। जी, श्योर बेटा, श्योर। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिया बेटा आपको कि मेरे पास एक बैलून है। ओके, आई एम हैविंग अ बैलून विद मी, जिसका मैंने क्या किया बेटा, जो है ऑब्जर्वर की आई पे उसका एंगल देखा, और वो कितना है, वो थीटा है। अब ऑब्जर्वर यहाँ है, अब वो कैसे देखेगा, यानी वो दो टेंजेंट ड्रॉ करके उसको ऐसे देखेगा, तभी उसके, क्योंकि एक बैलून देख रहे हो जो स्फेरिकल है, मैं ऐसे बैलून को देख रही हूं, तो मेरी आईज में वो जाके कैसे बनाएगा,
यानी मैं उस बेलून के दो जो एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगी और वो मेरी आईज पे जाके एंगल बनाएगा, वो एंगल मेरे पास थीटा है। फिर उसने मुझे कहा कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेंटर, अब सेंटर का देखना है मतलब सेंटर से एक लाइन की जो हॉरिजॉन्टल के साथ, वो मेरा एंगल बना रहा है फाइव, यानी दिस एंगल इज फाइव, दिस इज गिवन टू मी। ओके, अब मुझे कहा है कि सेंटर की जो है सेंटर ऑफ द बलून की हाइट बताइए, यानी मुझे ये बताना है एच, आई नीड टू कैलकुलेट दिस। ओके बेटा, क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया यहां पर, क्लियर, रेडियस तक ज्वाइन करती हूँ ताकि वो सीधा 90 डिग्री मेरे पास बनेगा। लेट अस ज्वाइन विद दिस। अब बेनिफिट क्या हुआ, मैं इसको लेबल कर दूं सबसे पहले ट्रायंगल को तो आपके लिए इजी होगा। लेट इट बी मेरे पास हो गए क्यू ले लो, इसको पी ले लीजिए, इसको बी ले लो, इसको ए ले लो, कोई भी लेबलिंग कर दो, डजंट मैटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ट्रायंगल ए पी क्यू, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल बनी मेरे पास, मेरे पास हो गए, मैं इस ट्रायंगल को ओ ओ मैंने लिया, ओ पी ए लेना था, सॉरी ओ पी ए, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। रीजन, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, होता है ना, हमने ये सर्कल के चैप्टर में पढ़ा कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, यानी एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल ये ले सकती हूँ बड़े आराम से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल मैं कौन सी ले सकती हूँ, ए बी ओ, क्योंकि मैंने हाइट की बात की, हाइट हमेशा मैं परपेंडिकुलर लेके चलती, तो इसीलिए मुझे जो है टेंशन लेने की बात। ओके, अब मैं क्या करूं यहां पर, सबसे पहले मुझे पता है मुझे एच निकालना है, एच मेरे पास दो, अभी तक एक ट्रायंगल में मुझे विजिबल हो रहा है कि ओ ए बी, इस ट्रायंगल में एच हो रहा है, बट इसका बेस भी मुझे कुछ नहीं दिया, सिर्फ मुझे रेडियस पता है, यानी सब कुछ मुझे किस फॉर्म में चेंज करना है, आर में चेंज करना है, थीटा में चेंज करना है, फाई में चेंज करना है, और किसी में नहीं करना, ठीक है। अब मैं क्या करूं, मेरे को ये भी ट्रायंगल आगे यूज होनी है, तो मैं इसको डी लेट कर दूं अपनी तरफ से। ओके, मैं क्या करती हूँ, इसको डी लेट कर देती हूँ, उसका बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ आगे। चले अब बेटा, अब ट्रायंगल्स लेते हैं हम डिफरेंट। सबसे पहले मैंने ट्रायंगल ली, अच्छा एक इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब मैंने ये ट्रायंगल ली, आपको पता है कि जब ये सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट ज्वाइन करता है तो ये एंगल्स को हाफ हाफ में डिवाइड करता है। हमने ये एग्जांपल में किया हुआ है कि अगर ये मेरे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं और सेंटर वाला जब उस एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करता है तो वो एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और अगर ये पूरा एंगल मेरे पास थीटा है तो दैट मींस ऊपर वाला भी थीटा बाय टू होगा, नीचे वाला एंगल भी थीटा बाय टू होगा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि मेरी राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ पी पे है और वहां मुझे ये एंगल चाहिए था, इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट सर्कल का यूज किया, क्लियर। तो अब मैं देखो ट्रायंगल बनाने लगी हूँ, आपको क्लैरिटी भी हो जाएगी। लेट अस टेक ट्रायंगल, मेरे पास जो है ये देखिए ए ओ पी, ठीक है, ये एंगल थीटा बाय टू है मेरे पास, और मेरे पास जो है ये आर है, अब रह गई मेरे पास ए पी, जितना ए क्यू है उतना ए पी है, क्यों, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ, तो ये भी मैंने डी लेट, क्योंकि मैंने इसको डी लेट किया था। ओके, अब देखिए एक ट्रायंगल मेरे पास आ गई, ये राइट ट्रायंगल है, अब इसको मैं यूज करूंगी क्लियर कट, मेरे पास आर है डी है, आर मेरे पास क्या है यहां पर, आर मेरे पास क्या है पी, ओके दैट इज परपेंडिकुलर, और मेरे पास यहां पर डी दैट इज बेस है मेरे पास। ओके, तो अब मैं बेटा
यहाँ पर कंसीडर। अच्छा आप अगर ये नहीं भी लेना ना, आपने ये नहीं भी डी लेना, आप इसको भी ले सकते हो डी। हमने अपनी रिक्वायरमेंट कोई एक को लेट करना है, किसी एक को लेट करना है, आप जैसे मर्जी कर लो। दोनों तरफ से हमारा कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। अगर मैं ए ओ को डी ले लूं तो मेरे को लगता है और ज्यादा मुझे बेनिफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए ओ बी में भी ए ओ आ जाएगा और ज्यादा मेरी ट्रायंगल इजी हो जाएगी। मुझे एपी में ना ही लूं तो उससे भी बेटर हो जाएगा कि मैं इसको डी ले लूं। ये आपको क्वेश्चन करते करते पता चलता है, कोई फिक्सेशन नहीं है। मैंने अभी मैंने पहले सोचा अच्छा इसको ले लेते हैं, ये भी सेम आ जाएगी। फिर मेरे माइंड में आया अरे बाबा ए पी तो कहीं दूसरी ट्रायंगल में यूज ही नहीं होगी, मुझे लेने का क्या फायदा। मैंने ये आपके लिए ऐसे लेट किया था कि वहां पेपर में जो मर्जी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाए, बस हमने ये देखना है कि कॉमन साइड कौन सी है ना। तो अगर मैं पहले डी इसको लिया तो मैंने देखा कि अच्छा ये तो इसके इक्वल हो जाएगा, इस ट्रायंगल में तो आ जाएगा, बट ये यूज कहाँ होगा, कहीं नहीं होगा। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा अगर मैं इसको ले लूं डी तो इसका बेनिफिट होगा, ये बड़ी ट्रायंगल में भी ये एडी कॉमन आ जाएगा, एडी एडी मैं खत्म कर दूंगी, मेरा काम हो जाएगा। तो देखो फिर मेरे दिमाग में यही आया, मैंने इसको डी लिया। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ, मेरे पास होगा ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो आर बाय डी मेरे पास साइन थीटा बाय टू आ गया। यहां से मैं डी निकाल लेती, मेरे पास होंगे डी क्या आ गया, दैट इज आर बाय साइन थीटा बाय टू। मार्क दिस इक्वेशन फर्स्ट, बस रट्टा नहीं लगाना, उसको सोचो कैसे हम कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों मेथड से करके बताया कि अगर मैं इसको लेट करती ये डी आ जाता, बट ये मेरा यूज ही नहीं होना था। ओके अब आ जाओ इस ट्रायंगल में ए ओ बी में। जब मैंने ए ओ बी लिया, मैंने ए ओ निकाला हुआ है, डी मैंने निकाली हुई है। ओके और ये एच दैट इज परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, थीटा मेरे पास यहां पर मतलब फाइव पूरा है इस ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल मेरे पास जो हो गए बेटा ए ओ बी अगेन परपेंडिकुलर दैट इज एच ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज डी दैट इज साइन फाइव। ओके अब यहां पर डी जो है हमारे पास, इसको उधर ले जाते हैं तो एच इज इक्वल टू साइन फाइव इंटू डी, और डी की वैल्यू बेटा मैंने ऊपर कैलकुलेट की है दैट इज आर बाय साइन जो है थीटा बाय टू। ओके लेट मी शो यू, वेट देखिए, तो ये क्या बन गया मेरे पास आर साइन फाइव साइन थीटा बाय टू। ये एंगल में होता है, हाइट निकल गई। देखो हाइट की वैल्यू अपने आप, कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं आई जो हमें दी नहीं थी, हमें थीटा भी दिया था, हमें फाई भी दिया था, हमें आर भी दिया था, उसी में हमने आंसर कैलकुलेट किया। सबको बात समझ आई बेटा हमने क्या किया? एनी डाउट टू एनी वन? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कोई रट्टा नहीं लगाना, मैं आपको बार बार कह रही हूं। मैंने सबसे पहले सोचा मैं इसको डी ले लूं, अच्छा कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल इन लेंथ हो जाएगा तो ठीक है, बट करते करते मेरे माइंड में आया अरे बाबा मैं अगर इसको ले लेती हूँ तो ये यूज कहाँ होगा, दोनों किसी राइट एंगल ट्रायंगल अगले में यूज नहीं होगा। फिर मुझे कॉमन क्या निकला, मुझे ए ओ लगा कि ए ओ बी में भी आ रहा है, ए ओ बी में भी आ रहा है, तो बेटर अगर लेट करना ही है तो मैं ए ओ को लेट कर देती हूँ, दोनों ट्रायंगल में से मैं रिमूव कर सकती हूँ। समझ आ गई बेटा, ए एंड डी सेक्शन दोनों को समझ आ गई, क्लियर? चले बेटा आगे, चले लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अब देखिए, मैंने पहले नहीं बताना, मुझे पता है कि किसको किसको लेट कर सकते हैं। मैं आपको बार बार कह रही हूं, मैं हर चीज को जैसे आप सोचते हो मैं हर चीज को वैसे सोच के चलूंगी। मैं पहले बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि सीधा, ये तो हमें पता है किसको लेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम हर तरह से सोचेंगे कि किसको किसको लेट करके क्या चीज कर सकते हैं, फिर देखते हैं हमारा एप्लीकेबल कौन सा होता है। लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। फ्रॉम अ बैलून वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट रोड, हमारे पास जो है राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट। फ्रॉम अ बैलून
वर्टिकली मेरे पास जो है अबव द स्ट्रेट जो है रोड द एंगल्स ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ऑफ टू कार्स एट एन इंस्टेंट जो है मेरे पास आर फाउंड टू बी 45 degree and 60 degree. If the cars are मेरे पास जो है 100 meter apart, find the height of balloon. Very easy. Find the height of balloon. हाँ जी, पहले इसको ध्यान से देखिए, कोई मुश्किल नहीं है मेरे पास जो है इस क्वेश्चन को करने की। क्लियर कट उसने बोला है कि मेरे पास एक वर्टिकल बैलून है, ठीक है, अबव द स्ट्रेट रोड। मेरे पास मान लीजिए ये एक वर्टिकल बैलून है अबव द स्ट्रेट, ओके। अब उन्होंने कहा द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू कार्स एट द इंस्टेंट आर फाउंड टू बी। अब दो कार्स हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहे हो आप, जो हो बैलून की वर्टिकल हाइट पे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहे हो दो कार्स का, जो कि 100 meter अपार्ट है। अब बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि मैम कौन सा एंगल कहाँ नहीं। मैंने आगे भी आपको ये बात बताई थी, स्ट्रेट वर्टिकल के पास एंगल बड़ा होता है, जितना दूर जाते जाओ उससे छोटा चलता जाता है। यानी ऑब्वियस है ये 60 होगा, ये 45 होगा। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन शो तो करना है ना, तो इस लाइन के साथ ये 60 बना रहा है तो इधर 60 बना दीजिए, ये लाइन है इधर 45 बना रहा है तो इधर 45 डिग्री लिख दीजिए, बस काम खत्म। आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी फिगर बनाने। अब हमने हाइट कैलकुलेट करनी है, ये लेवल करते हैं ए बी सी डी, ये एंगल शो करने बहुत जरूरी होते हैं, मार्क्स कट जाते हैं फिगर। फिर वही बेटा, अगर मैं इसको एच ले लूं, अब मैं क्या सोचती हूँ, दो ही राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास, एक ए बी सी और एक ए बी डी, यही तो है ना। अब ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, इसको एक्स ले लो, मीटर्स लिखना जरूर है, लेट बी सी बी एक्स एंड ए बी बी एच, नहीं तो ये भी लिख सकते हो, वट एवर वी लेट इज मेंशन इन द फिगर, हमने फिगर में मेंशन कर दिया विद यूनिट्स, ओके। तो अब सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी एच ओवर मेरे पास जो है एक्स, दैट इज टेन 60 degree। अब टेन 60 की वैल्यू रूट थ्री और मेरे पास जो है एच इज इक्वल टू रूट थ्री जो है इनटू एक्स। मार्क दिस इक्वेशन फर्स्ट, देख लेते। अब नेक्स्ट, जब आप पूरी ट्रायंगल लोगे मेरे पास जो है ए बी डी, जब मैंने ए बी डी ट्रायंगल ली, ये तो बिल्कुल बुक जैसा ही क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी डी एच ओवर मेरे पास 100 प्लस एक्स, क्योंकि पूरी ट्रायंगल में आ गए ना, उसमें ये साइड क्या होगी, ऐड होगी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू टेन 45 डिग्री, और टेन 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है मेरे पास, तो दैट मींस एच ओवर 100 प्लस एक्स दैट इज 1, तो एच इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स। वैसे तो डायरेक्ट अगर हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो बेटर है, क्योंकि हमने निकालना ही एच है, क्यों हम दो दो स्टेप करें, तो एक्स निकाल लें एच बाय रूट थ्री, तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर 100 प्लस एच बाय रूट थ्री। अब दोनों एच वाली क्वांटिटीज को क्या कर दे, कंबाइन कर दे बेटा मेरे पास, तो लेट अस कंबाइन, ठीक है, मैं स्टेटमेंट रब कर रही हूँ, तो जब मैंने कंबाइन किया तो मेरे पास h माइनस h बाय रूट थ्री दैट इज 100। अब h कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 बाय रूट थ्री
दैट इज 100. अब क्या करेंगे आगे मेरे पास होंगे, टेक द एलसीएम रूट थ्री माइनस वन इंटू 100, तो मेरे पास h इज इक्वल टू 100 इंटू रूट थ्री, मेरे पास बाय 100 रूट थ्री माइनस वन. इसको रैशनलाइज भी करना है, कभी भी इरैशनल नंबर को डिनोमिनेटर में मत छोड़ो. तो मेरे पास होंगे रूट थ्री प्लस वन, मेरे पास जो है रूट थ्री इंटू 100 इंटू रूट थ्री प्लस वन, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी क्या बन गया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये 2 बन गया, 2 से इसको काट दो 50, मेरे पास 50, इसको मल्टीप्लाई करो 3 प्लस रूट थ्री, दिस इज माई आंसर. इतने मीटर हाइट मेरे पास आई. ओके बेटा, एनी डाउट टू एनी वन प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क मी. दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन और मुझे नहीं लगता इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात थी. फिर भी अगर आपको लगता है एनी प्रॉब्लम यू कैन प्लीज आस्क मी. चले आगे बेटा, 10th A 100%, 10th D बस वही 2-3 बच्चे, बाकी बच्चों के हाँ जी चले चले. ओके जी, दैट्स गुड. चलिए बेटा, लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, हमने कल ऐसा एक प्रूफ वाला क्वेश्चन किया भी था, है ना, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है. क्लाउड की फॉर्म में बात कर रहे हैं तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं. लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन. हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर मेरे पास जो है नेक्स्ट है. आई एम टेकिंग इट एज थर्ड क्वेश्चन फॉर टुडे. व्हाट दिस क्वेश्चन इज, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट. फर्स्टली राइट द स्टेटमेंट बिकॉज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. द एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे पास जो है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड from a point h meter above the surface जो है, above the surface of a lake, above the surface of a lake is theta. ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना बेटा. And the angle of depression मेरे पास जो है, angle of depression of its reflection बेटा मेरे पास जो है वो कितना है, of its reflection is 5 in the lake. Okay, prove that the height of the cloud जो है above the lake, height of the cloud, अब मैं simple लिख रही हूँ, that is h into, यहाँ पर capital H लिख देते हैं height को, that is tan phi plus tan theta over tan phi minus tan theta. हमने जो कल किया था वो different question था, but proof ऐसा ही कुछ था, है ना. तो let us firstly see कि question क्या है. हम इसकी पहले फिगर बनाते हैं, क्योंकि फिगर करेक्ट होगी तो क्वेश्चन अपने आप निकल आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और इस क्वेश्चन में एक मैंने नया कॉन्सेप्ट यूज करना है, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो. सो ध्यान से बेटा समझना उस चीज को. क्वेश्चन क्या है मेरे पास, लेट अस सी. उन्होंने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, हमने एक क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है फ्रॉम जो है पॉइंट h मीटर अबव द सरफेस ऑफ द लेक. मेरे पास जो है, मान लीजिए ये मेरे पास लेक का सरफेस है, ठीक है, यहां से h मीटर, ये मेरे पास h मीटर है. लेट मी शो यू द फिगर प्रॉपरली, वेट चले. ओके, h मीटर, यहां से मैंने एक क्लाउड को देखा, ये मेरा क्लाउड है. ओके, दे जस्ट राइट हियर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज थीटा. अब एलिवेशन के लिए मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी ना,
एक हाइट से देखा, लेक की एच हाइट से, सरफेस से मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा क्लाउड का, मैंने क्लाउड बना दिया. ओके, नाउ व्हाट दे मेंशन जो है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इज 5. जो है ये ध्यान से समझना. अब उसने कहा है कि इसकी रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब यही से नीचे आएगा, है ना, वो देखना है. वो मेरे पास जो है ना वो 5 है. अब यहां पर साइंस का कॉन्सेप्ट लगेगा. वो क्या होता है कि अब ये मैंने ज्वाइन कर दिया स्पोर्ट्स. अब इसमें साइंस का क्या कॉन्सेप्ट है, फिगर मैं थोड़ी सी बड़ी बनाऊंगी ताकि वो पूरा साइंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, नहीं तो वो आपको लगेगा कि मैम ये तो थोड़ी हाइट कम है थोड़ी बड़ी है. लेट अस ड्रॉ इट प्रॉपरली. लीजिए ये मेरे पास 5. अब साइंस में आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम वाटर के सरफेस से देखते हैं ना, जितना डिस्टेंस ऊपर होता है ना उतना ही डिस्टेंस नीचे होता है. ये आपने पढ़ा हुआ है. हैव यू रीड इट? थम्स अप इफ यू हैव रीड इट. कि एक वाटर सरफेस से आप जो भी कोई ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन देखते हो उस वाटर सरफेस से, तो मैं इसको मान लेती हूँ एक्स है. लेट इट बी एक्स. अगर ऊपर एक्स है तो ये भी मेरे पास एक्स होगा. ओके, ये एच है तो ये भी एच होगा. ओके, तो ऊपर कितना रह गया मेरे पास, एक्स माइनस एच. सब कुछ फिगर में लिखा करो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना. अब मेरे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल होगी. ठीक है, मैं लेबल कर देती हूँ इसको, हम ए बी सी डी जैसे मर्जी लेबल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, एक ट्रायंगल होगी ए बी सी और एक ट्रायंगल होगी ए बी डी. दोनों को यूज करेंगे, अपने आप ये बनेगा. अब बनेगा कैसे, लेट अस सी. ओके, चलिए देखते हैं. अब मैं ये सारा स्टेटमेंट ड्रॉप कर दूं ताकि आप लोगों को फिगर के साथ क्लैरिफाई कर सकूं. प्रूफ जो है वो हम दोबारा लिख देंगे, हमें क्या चाहिए. लेट अस सी. अब मुझे कैलकुलेट करना था जो कहा गया था, हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक. हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक मतलब लेक से ऊपर, यानी मुझे एक्स कैलकुलेट करना है मेरे माइंड में ये. ओके, तो कैसे स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट. जब मैंने सबसे पहले जो है ट्रायंगल ली, ओके, मैंने ये वाली ट्रायंगल ली ए बी डी, क्योंकि इसी में 90 है इसी में थीटा. ओके, तो मेरे को पता है कि ए बी मेरा बार बार यूज होना है, ऊपर भी और नीचे भी, तो ए बी कॉमन है ना, उसी को यूज करूंगी. और एक ए बी है, एक ये परपेंडिकुलर यानी पी बाय बी. वैसे भी प्रूफ में टेन था तो मुझे टेन यूज करना है, तो आई एम यूजिंग हियर जो है इन ट्रायंगल जो है ए डी ए बी डी. मेरे पास वो है एक्स माइनस एच ओवर ए बी. आप इसको डी लेट कर लो, एच लेट कर लो, कुछ भी. एच ऑलरेडी यूज है तो डी लेट कर लो या ए बी का ए बी रहने दो. दैट इज टेन थीटा. ओके बेटा, अब मैं क्या करती हूँ इसको फर्स्ट मार्क करते रहती हूँ. अब आ जाओ इन ट्रायंगल मेरे पास जो है ए बी सी, फिर वही ये बेस है ना, ये परपेंडिकुलर है. अब यहां पर देखो ध्यान से, अब ये परपेंडिकुलर है, इसकी हाइट कैसे लूंगी, इतनी एक्स इतनी एच, तो ये एक्स प्लस एच ओवर ए बी दैट इज टेन फाइव. लेट इट बी से. अब दोनों को क्या करो बेटा, डिवाइड कर दो. ठीक है, ध्यान से अब दोनों को डिवाइड कर लेते हैं. ऊपर सेकंड रख देते हैं, नीचे फर्स्ट रख देते हैं, जो मर्जी ऊपर नीचे कर लो कोई फर्क नहीं पड़े. पर मैंने कैसे सोचा, मैंने आंसर को देखा टेन फाइव पहले है ना, तो मैंने टेन फाइव वाली ऊपर ले ली. आगे आपको पता चलेगा क्यों ऊपर ली. अब मुझे फिगर नहीं चाहिए, अब मुझे फिगर कुछ नहीं चाहिए. मैंने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया. ठीक है, अब जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास क्या हो गया, एक्स प्लस एच ओवर ए बी ओवर एक्स माइनस एच ओवर ए बी दैट इज टेन थीटा बाय टेन फाइव.
टेन फाइव बाय टेन थीटा, ए बी बी कैंसिल। अब यहां से एक चीज आपको आज नई बताने लगी हूं, टेन फाइव आपको जो है टीचर्स ने नाइन्थ में माइट भी बताई, ये यूज होती है नाइन्थ में भी। अब क्या क्वेश्चन है देखिए, क्या कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो वो क्या होता है और कब लगाते हैं, मैं ये भी बताती हूँ। पहले होता क्या है पहले वो बताने लगी। अगर ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी हो, मतलब दो इक्वल टर्म्स मेरे पास हैं इन रेशियोज, दे आर इक्वल, मैं कहती हूँ अप्लाई कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो सी एंड डी। बहुत बार बुक्स में पढ़ा होगा, एनटीएससी में हम यूज करते हैं, उसका मतलब क्या है, ऊपर वाली टर्म ऊपर भी नीचे भी, ऊपर वाली टर्म न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, डिनोमिनेटर वाली टर्म ऊपर प्लस डी नीचे माइनस, डिनोमिनेटर वाली टर्म ऊपर प्लस नीचे माइनस, आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन देन बोथ आर सेम। अब यूज कब करते हैं, कैसे पता चलता है कि कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगाना है, जब आपके पास ऊपर नीचे सेम सेम टर्म हो किसी एक साइड पे, आपने एक्स निकालना है और फर्क किसका है प्लस माइनस का, और प्रूफ में भी आपको टेन फाइव प्लस टेन थीटा ओवर टेन फाइव माइनस टेन थीटा सेम सेम टर्म चाहिए और प्लस माइनस का फर्क है, अप्लाई कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड, उससे कैलकुलेशंस इजी हो जाती है। तो जब मैं अप्लाई करने लगी हूँ यहाँ पर, अब मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, आई एम रबिंग इट, क्योंकि मुझे कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो आपको सिखाना, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर वाली टर्म ऊपर भी नीचे भी, देखो ऊपर वाली टर्म ऊपर भी नीचे भी लिख दी, सेम ऊपर वाली टर्म ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। अब नीचे वाली टर्म ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ऊपर प्लस नीचे माइनस ओ थीटा, इससे क्या बेनिफिट हुआ, एच एच कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, टू एक्स ओवर टू एच इज इक्वल टू टेन फाइव प्लस टेन थीटा ओवर टेन फाइव माइनस टेन थीटा, टू टू कैंसिल, एच को उधर ले जाओ, हमने यही प्रूफ करना था कि एक्स की वैल्यू इतनी प्रूफ। एनी डाउट इन अप्लाइंग कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो प्लीज आस्क मी, ये बार बार ये कॉन्सेप्ट जो है यूज होगा ही होगा आपकी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए, और कुछ नहीं करने को। अगर आपसे नहीं ऐसे होता है तो आप एक्स की निकालो, पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना कुछ करना पड़ेगा, इससे सीधा सीधा आंसर आ जाए। एनीथिंग यू वॉन्ट टू आस्क, लास्ट क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट किया, बहुत आराम से मैंने आपको बताया है, ठीक है, तो आप उसको समझ सकते हो, फिर भी कोई डाउट है, क्योंकि इससे टिपिकल और कोई क्वेश्चन है ही नहीं, एक है स्पीड वाला है, वो भी हम मंडे को डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इजी। आज तीनों क्वेश्चंस मैंने डिफरेंट हट के आपको बताए, कल भी हमने एक किया था कि बताइए स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है ना, वो भी डिफरेंट था। एनी डाउट टू एनी वन, एनी डाउट टू एनी वन, नहीं कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं पूछना, श्योर, चलिए दिस कंप्लीट्स नाउ टुडे लेक्चर, ठीक है, होप यू आर एबल टू डू दीज क्वेश्चंस, ट्राई टू डू इट, आई विल सेंड द पीडीएफ इन द ग्रुप, ओके, सो दैट टुमारो और डे आफ्टर टुमारो वी विल डू द क्वेश्चंस, ओके, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर बेटा।